चलो, शैल वी टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट? ओके, अभी अगर हम लीगल एप्टीट्यूड का बात करें तो वो कितने मार्क्स के लिए आता है बच्चा लोग? 30 मार्क्स, ठीक है। अभी उसमें कितने टॉपिक्स है? तो पहला टॉपिक है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तुम्हारा भारत का संविधान, इसके बारे में तुम्हारा टॉपिक नंबर वन है, ठीक है। उसके अलावा है तुम्हारे पास जनरल लॉज, जनरल लॉज में दो टॉपिक है, एक है तुम्हारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है तुम्हारा लॉ ऑफ टॉट्स, ये दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी याद रखना ये सारे टॉपिक्स ना बच्चा लोग, इसका बेसिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पर ये खत्म नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट्स सब एग्जीक्यूटिव में रिपीट है, थोड़ा लार्जर वर्जन पे, बट रिपीट है। तो ये जो बेसिक यहाँ पे पढ़ाते हैं ना वो वेस्ट नहीं है, वो वापस एग्जीक्यूटिव में क्या होने वाला है, एक्सटेंडेड वर्जन पे रिपीट होने वाला है। तो प्लीज एग्जाम देने के बाद उसको वॉश नहीं कर देना, राइट? सो वो दिमाग में रख के पढ़ना है हमको। प्लस तुम्हारा, तुम क्या बनने वाले हो? सीए, फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है पता होना चाहिए ना, उसके बारे में भी चैप्टर दिया है, विच इज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, क्लियर? उसके अलावा तुम्हारा ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे एक चैप्टर एग्जीक्यूटिव में पूरा बुक वही है, देखो कंपनी लॉ बराबर। तो ये टॉपिक हमको इतने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमको कोई बेसिक नहीं पढ़ाएगा आके, हमको सीधा कंपनी लॉ का बुक पढ़ाया जाएगा, बराबर। अभी लास्ट इज योर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में ना कुछ अलग टॉपिक नहीं है, कैसा है, हम जो ये पांच टॉपिक्स पढ़ेंगे ना पहले, उसका जो भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है विद फोर ऑप्शन, जो लीगल रीजनिंग में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देंगे उसमें चार ऑप्शन देंगे केस टाइप्स के, हाँ बराबर है, रीजनिंग करेक्ट है, तो वो रीजनिंग होगा या लीगल रीजनिंग में। तो इस चैप्टर को अलग से कुछ ज्यादा पढ़ना है क्या? कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं जो मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा जो हमने बेसिक्स बाकी चैप्टर्स में पढ़ा ना उसी का एक सम अप है। ऐसे एफबी लैंडमार्क पे पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो उन्हें लैंडमार्क याद करना पड़ेगा। एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में ना एकदम ओपन है ना चीजें, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। वो सब कराऊंगी मैं, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। एंड एवरी चैप्टर का टेस्ट होगा, तो जैसे चैप्टर खत्म टेस्ट, चैप्टर खत्म टेस्ट, ऑलराइट? सो टेंशन मत लो। ओके, नाउ आइडियली अपना चैप्टर तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, बट आई नेवर स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट? मैंने पहले ही दिन तुमको संविधान पढ़ाया ना, तो तुम सीएस छोड़ देगा, ऑलराइट? सो व्हाट वी विल स्टार्ट विद इज योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक टू स्टार्ट इन लीगल एप्टीट्यूड एंड टू विद द बैच, ऑलराइट? शैल वी स्टार्ट? अभी जब तक मैं ना बोलूं कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनो, मैं तुमको सब लिखाऊंगी, टेंशन मत लेना, सिर्फ सुनो फिलहाल मेरे को, ठीक है? अच्छा, अभी तुमको पता है अपने यहाँ पे कुछ लॉज होते हैं, है ना, कानून होता है अपने यहाँ पे। अच्छा, अपने यहाँ पे कानून बनाता कौन? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कौन बनाता है? नहीं, पार्लियामेंट हम कॉन्ट्रैक्ट भी तो एक लॉ ही पढ़ने वाले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ नहीं इन्वॉल्व है। तुमको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्ट, जो बनानी पड़ती है, कौन बनाता है? पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, अपने पास गवर्नमेंट कितने? सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके okay. बराबर है। अच्छा अभी मुझे बताओ, अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी कानून बनाए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी कानून बनाए जाते हैं। ऐसे भी लॉज होते हैं जो सिर्फ स्टेट को अप्लाई करते हैं, ऐसे भी लॉज होते हैं जो पूरे इंडिया को अप्लाई करते हैं। तो अभी लॉ बनाता कौन जो पूरे इंडिया को अप्लाई करता हो, जो सिर्फ स्टेट को अप्लाई करता हो? बिल पास कर बराबर है, बिल पास किया जाता है। सो अंडरस्टैंड समथिंग, जब भी कोई लॉ बनाना हो ना देश में, कभी भी कोई लॉ बनाना हो देश में, तो पहले तो लॉ एक पेपर पे लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक पेपर पे लॉ को लिख दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल। जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल। ये बिल सिर्फ एक ड्राफ्ट है। ये बिल क्या है? सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि मैम, ये जो लॉ है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होने वाला है या ये पर्टिकुलर स्टेट पे होने वाला है? तो अगर ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होने वाला है, तो उसको बनाने वाला जो है वो है तुम्हारा पार्लियामेंट। कौन बनाता है उसको? पार्लियामेंट। और अगर सिर्फ ये स्टेट पे अप्लाई होने वाला है, तो उसको बनाने वाला है तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अपने पास पार्लियामेंट कितने हैं? कौन से राज्यसभा राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों ने नाम सुना है, बराबर है। सो एक है तुम्हारा राज्यसभा और दूसरा है तुम्हारा, ठीक है। सो ये जो बिल है ना, उसको प्रेजेंट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? प्रेजेंट। किधर प्रेजेंट किया जाएगा? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे? ये बिल पे वोट, ये बिल पे क्या करेंगे? वोट करेंगे, सजेशन देंगे। फिर अगर मेजोरिटी ऑफ वोट बोलता है हाँ ये कानून बनना चाहिए, ये अच्छा है, तो मेजोरिटी ऑफ वोट से ये बिल क्या हो जाता है? ये बिल हो जाता है पास। क्या हो जाता है? बिल पास। फिर ये जाता है किधर? लोकसभा। वैसे ही लोकसभा के लोग भी क्या करते हैं? वोट, ठीक है। अभी इनफैक्ट जो तुमने इलेक्शंस में वोटिंग वगैरह हुआ, वो किसका था? लोकसभा इलेक्शन था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज किया ना तुमने, मोदी जी को बनाया, बराबर है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन से इलेक्शन से? लोकसभा के, करेक्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो वो लोग क्या करते हैं? फिर वोट करते हैं। वोट करने के बाद अगर मेजोरिटी ने हाँ बोल दिया, तो लोकसभा में भी सेम बिल क्या हो गया? पास हो गया। दोनों जगह पास होने के बाद ये बिल जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने फिर साइन करके अपना कंसेंट दिया, जिसको हम लोग बेटर वर्ड में एसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसेंट। अपना परमिशन दिया, अपना कंसेंट दिया, अपना साइन दिया, तो फिर ये हो जाता है बिल फाइनली पास, ठीक है। और फिर ये बिल को डाला जाता है ऑफिशियल गजेट में। व्हाट इज ऑफिशियल गजेट? ऑफिशियल गजेट इज अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन, एक बुक जहां पे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज छापे जाते हैं। तो जिस दिन ये बिल पास हुआ बोल के ऑफिशियल गजेट में आया, उस दिन से ये कानून बन के पूरे इंडिया पे अप्लाई होना चालू हो जाता है। समझ में आया? तो कब एप्लीकेबल होता है कोई भी लॉ? जब वो कहाँ पब्लिश हुआ? ऑफिशियल गजेट। और उसको बनाता कौन है? पार्लियामेंट। समझ में आया? और वो लॉ किसको अप्लाई होगा? पूरे इंडिया, करेक्ट। वैसे ही सेम चीज होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी अगर बिल पास होना है, तो वो किधर जाएगा? कौन से मिनिस्टर्स? हाँ करेक्ट है, सीएम के पास जा सकता है। सीएम नहीं, प्रेसिडेंट के जगह पे होता है गवर्नर। प्रेसिडेंट के जगह पे कौन होता है स्टेट में? गवर्नर, जो असेंट देता है। बट सेंटर में अपने को पता है, पूरे इंडिया में पार्लियामेंट के पास जाता है। तो स्टेट में ऐसा क्या है जिसके पास बिल जा सकता है वोटिंग के लिए? पार्टी करो
नो, इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या है स्टेट में? लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली. वही तो तुम एमएलए चूज करता है ना अपना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. दो ही वोटिंग होता है बच्चा लोग इंडिया में, एक एमपी चूज करते वक्त, दूसरा एमएलए चूज करते वक्त. स्टेट इलेक्शंस एंड इंडिया इलेक्शंस. ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर में भी बिल पास किया जाता है. अभी जहां पे सीएस कंसर्न है, हम सब इंडिया लेवल लॉ पढ़ते हैं, नॉट स्टेट लेवल लॉस. बट मुझे एक क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमको कोई यही यही पढ़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बनाना है. कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड क्या बनाना है? तो पार्लियामेंट बनाएगा या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा? क्यों? पर वो झगड़ा नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, क्या हम अपना स्टेट का लॉ बना लेंगे, तुम अपना देखो. वही मैं पूछ रही हूँ, हर एक स्टेट बोल सकता है ना, हम अपने अपने स्टेट का कानून बना लेंगे, इंडिया तुम अपना देख लो. नहीं, पार्लियामेंट का ऑर्डर है तो कुछ सब पे लागू है ना स्टेट गवर्नमेंट. हाँ डेफिनेटली, बट स्टेट बोल सकता है ना, मैं अपने देश के हिसाब, अपने स्टेट के हिसाब से अपना कानून बनाऊंगा, मुझे नहीं देखना है पार्लियामेंट का लॉ. पार्लियामेंट जो बनाएगा वो तो पूरे इंडिया पे अप्लाई करना पड़ेगा, बट स्टेट वाला बोलता है मैं अपना अलग बनाऊंगा. जैसे टैक्स लॉ, स्टेट बोलता है मैं अपना बनाऊंगा. झगड़ा नहीं करेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? कर सकते हैं ना, बराबर है. इसका तरीका ना बाबा साहेब अंबेडकर ने पहले ही दे दिया. उनको पता था ये लोग झगड़ा करेंगे, तो उन्होंने ना बाबा साहेब अंबेडकर ने किया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. क्या किया था उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बराबर है. तो बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या किया पता है? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें ना तीन लिस्ट बना दिया. क्या बना दिया? तीन लिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देर इज समथिंग कॉल्ड एज शेड्यूल 7. शेड्यूल मतलब क्या? लिस्ट. तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज शेड्यूल 7, उसमें डाला लिस्ट, तीन लिस्ट. अभी ये लिस्ट ना तुमको पता है, जैसे ही मैं बोलूंगी ना तो तुमको तुम्हारा सिविक्स याद आएगा. एक है तुम्हारा लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3. ठीक है, तुम्हारा जो लिस्ट 1 है इज योर यूनियन लिस्ट. लिस्ट 2 जो है इज योर, और तीसरा बताओ, नहीं कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं बताओ. ठीक है, तो अभी ये लोग ने क्या किया पता है? बाबा साहब अंबेडकर ने जितने भी आइटम्स है ना जिस पे कानून बन सकता है, बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइटम्स दिए हुए हैं उसी पे कानून बन सकता है ना. अगर कोई आइटम दिया हुआ नहीं है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है. अभी तुमको अगर पता हो, देयर इज न्यू लॉ कॉल्ड जीएसटी, बराबर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये पहले कभी था क्या? अच्छा, बाबा साहेब अंबेडकर ने सोचा होगा क्या कि अपने को जीएसटी बोल के कुछ तो लॉ लाना पड़ेगा? नहीं ना, तो तभी कॉन्स्टिट्यूशन बना, तभी तो ये सोचा नहीं होगा. तो फिर बनाया कैसे जीएसटी? तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन में नया प्रोविजन डाला, बोला कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम का एक कानून बना सकते हैं. फिर जीएसटी आया. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी नहीं, कोई भी चीज पे कानून नहीं बन सकता. समझ में आ रहा है? तो ये तीन लिस्ट में क्या डाला है? यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम्स डाले, ठीक है, और बोला कि भाई यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें दी है ना, पार्लियामेंट तुझे अधिकार है इस पे लॉ बनाने का. समझ में आया? इसीलिए उसको कौन सा लिस्ट बोला? यूनियन. यूनियन मतलब पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगा, करेक्ट. वैसे ही स्टेट लिस्ट में भी हमने आइटम्स डाल दिए और बोला कि भाई एक्सक्लूसिवली इस पे कौन बनाएगा? स्टेट लॉज बनाएगा, मतलब तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली, करेक्ट.
फिर तीसरा लिस्ट है तुम्हारा कॉन्करेंट, जिसमें बोला भाई दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। मैम हम झगड़ा मिटाने के लिए तो पढ़ रहे थे, वापस आपने कॉन्करेंट लिस्ट बता दिया जहां पे बोलते हो कि दोनों कानून बना सकते हैं। वापस अगर दोनों कानून बना सकते हैं तो झगड़ा करेंगे। तो कॉन्करेंट लिस्ट के बाद एक चीज दी हुई है जहां पे बोलते हैं अच्छा स्टेट गवर्नमेंट तुमको बनाना है कानून, ठीक है बना ले। कॉन्करेंट लिस्ट में नाम है ना, दोनों को अधिकार है, स्टेट बनाना चाहता है बना ले। बट अगर उसके ऊपर यूनियन ने लॉ बनाया तो स्टेट का लॉ नहीं चलेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? देर आर थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बराबर है, यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स है उस पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी लिस्ट है उस पे ना कानून कौन बनाएगा? तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट। और जो कॉन्करेंट है उस पे दोनों, स्टेट भी बना सकता है पार्लियामेंट भी। बट अगर स्टेट के ऊपर पार्लियामेंट ने बनाया तो स्टेट का कानून नहीं। तो ये झगड़ा पहले ही किसने रिजॉल्व कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। बराबर है, ठीक है, ओके। अच्छा अभी अगर तुमको ये दिखे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, आई टेल यू, कंपनीज एक्ट है, मालूम है तुमको कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी बराबर है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, राइट। अभी मेरा ना एक डाउट है जो मैं तुमको पूछती हूँ, तो मुझे बताओ इसका रीजनिंग क्या है। मुझे समझता नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 बराबर है ना, तुमने ही बोला, बट पढ़ने वाले हैं हम लोग तो नंबर रखते हैं। अच्छा कंपनी मतलब लॉ कर अलग अलग कंपनी आपसे हाँ एक्ट तो एक ही है ना 2013, तुमने ही तो बोला अभी अभी। पहले 1956 था, उसको चेंज करके 2013 बना। बराबर, ये अपने सबको पता है, जनरल नॉलेज है। क्या हो सकता? अच्छा लॉ बड़ा लगता है तुमको क्या, एक्ट बड़ा लगता है तुमको? लॉ बड़ा लगता है। अच्छा तो लॉ में एक्ट होएगा ऐसा लगता है तुमको, क्या एक्ट में लॉ आएगा? लॉ में एक्ट होएगा कि देखो वाइस वर्सा लगता है, एक्ट में लॉ आएगा ऐसा लगता है? बोलो, मैं मारती नहीं हूँ लॉ में एक्ट होएगा, क्या बोलती है इसमें? एक्ट में लॉ, लॉ में एक्ट, नीलम एक्ट में लॉ। ओके, शी इज कंसिस्टेंट विद नीलम, नीलम आल्सो सेज एक्ट में लॉ आएगा। ओके, व्हाट डू यू से श्रावणी? लॉ में एक्ट होएगा। ओके ओके ठीक है। अभी अच्छा एक्ट बनाता कौन है बाय द वे? तो एक्ट आता है बिल से, एक्ट कैसे आता है? बिल से। तो बनाने वाला है अपना, तुमको पता है 365 डेज में से पार्लियामेंट सिर्फ 100 दिन आता है, सिर्फ 100 दिन प्रेजेंट होता है लोग, प्रेजेंट पार्लियामेंट में मेंबर्स। अभी वो 100 दिन में वो क्या चर्चा करेंगे, कितनी बार बेंच बजाएंगे और क्या लॉ पास करेंगे? तो तुम मुझे बताओ ये जो पार्लियामेंट 100 दिन आने में जो वो बनाता रहेगा, वो अच्छे से एक्ट बनाता होगा या वो बेचारा सब काम कर पाएगा? अच्छा मुझे एक लॉजिक बताओ कि तुमको पता है रोड्स पे स्पीड लिमिट होते हैं है ना, सबको पता है रोड पे स्पीड लिमिट होते हैं। अभी पार्लियामेंट को उधर बैठ के कैसे पता चलेगा कि कौन से रोड पे कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए? पता चलेगा पार्लियामेंट को बैठ के कि कौन से गली नुक्कड़ में कितना स्पीड लिमिट डालना है? कैसे डिसाइड कर सकता है वो? नहीं ना, बराबर है।
पार्लियामेंट क्या करता है ना, एक एक्ट नाम का स्केलेटन बना देता है। क्या बना देता है? एक्ट नाम का स्केलेटन। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट बोलता है कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, बोलता है ना पार्लियामेंट, एक्ट में बोला है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड, ये पढ़ा है सबने, बराबर है। बट अभी रजिस्ट्रेशन करने का कैसा, रजिस्ट्रेशन करने का ये तो एक्ट ने बोल दिया, करने का कैसा? तो पार्लियामेंट बोलता है देख मैंने तो बता दिया रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करने का, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तू ना एक काम कर, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला, एक काम कर, मैंने एक्ट बना दिया, अभी बाकी का जो बच गया है ना, पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला तू पूरा कर दे। पार्लियामेंट ने किसको बोला, मैंने बोल दिया रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला तू बता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता अच्छा मतलब तेरा काम मैं करूं, तो पार्लियामेंट बोलता है देख मेरे पास 100 ही दिन है, मैं सब काम नहीं कर सकता, तो मेरा काम थोड़ा सा तू कर ले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट को पूरा करने के लिए बनाया, एक्ट में बोला रजिस्ट्रेशन करने का, कैसे करने का किसने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैसे बताया, रूल्स बनाए, समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज सबको पता है, बराबर है, स्टॉक एक्सचेंज का पप्पा कौन है? नहीं, दोनों स्टॉक एक्सचेंज का पप्पा। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को कौन देखता है? आरबीआई। वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट को कौन देखता है? स्टॉक एक्सचेंज को भी किसी को तो रिपोर्ट करना पड़ता होगा। एनएससी एनएससी, बीएससी तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, कौन है? जैसे बैंकिंग का आरबीआई है, इंश्योरेंस का आईआरडीआई है, सिक्योरिटीज मार्केट का कौन है पप्पा, हेड? उसे बहुत डील करना पड़ेगा तुमको फ्यूचर में। एग्जैक्टली, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है तुम्हारा पप्पा। क्या है तुम्हारा पप्पा? ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, अभी ऐसा होता है कि एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने स्केलेटन, फिर रूल्स बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी आया सिक्योरिटीज के बारे में कुछ चीज है ना, या कुछ ऐसा सेक्टर के बारे में स्पेसिफिक। तो ये जो सेबी आरबीआई है ना, उनको बोला भाई तुम्हारा सेक्टर है, तुम भी कुछ बताओ कैसे काम करने का। तो जब सेक्टर का पप्पा कुछ बताता है तो वो कैसे बताता है? वो बताता है थ्रू रेगुलेशंस। कैसे बताता है वो? थ्रू रेगुलेशंस। तो एक्ट बनाने वाला पार्लियामेंट, रूल्स बनाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेक्टर के बारे में बताने वाला सेक्टर रेगुलेटर जो बनाता है रेगुलेशंस। उसके अलावा मैंने अभी अभी बताया शेड्यूल 7, तो एक्ट में, लॉ में और क्या होता है? शेड्यूल। तो ये सब जब हम मिलाते हैं ना, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, शेड्यूल, तो बनता है तुम्हारा, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो हम जब ही बोलते हैं कि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स भी पढ़ेंगे, समझ में आया? जब हम सिक्योरिटीज मार्केट पढ़ेंगे, तब हम उसमें सेबी के रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे, उसमें हम शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे। तो हमारा कवरेज इज नॉट ओनली एक्ट, हमारा कवरेज इज पूरा लॉ। वेरी क्लियर? ठीक है, और एक रीजन बताती हूँ, शायद बाद में जाके ये समझेगा, बट एक्ट में अगर कुछ चेंज करना है, एक्ट में अगर कुछ क्या करना है, चेंज, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ये नाम सुना है तुमने, एक्ट में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अभी अगर एक्ट में चेंज करना है तो वापस पार्लियामेंट जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए। सोचो ना, एक्ट बोलता है रजिस्ट्रेशन कर कंपनी को, ठीक है,
रजिस्ट्रेशन करने के लिए INC 32 करके एक फॉर्म है जो भरना पड़ता है। अभी अगर ऐसा लगता है कि भाई INC 32 में कुछ चेंज करना चाहिए तो वापस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक बिल पास होने को 7 साल लग जाते हैं, वापस पार्लियामेंट जाओगे तो एक फॉर्म चेंज करने को वापस 7 साल लग जाएगा। कठिन है ना। इसीलिए किसको दे दिया ये, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बोला तू ही बना तू ही चेंज कर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से एक नोटिफिकेशन दे देता है, बोलते हैं आज से ये चेंज, और वो चेंज हो जाता है। इसलिए सारी चीजें एक्ट में दी हुई नहीं है। क्यों एक्ट में दी हुई नहीं है? क्योंकि उसको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए बहुत सारी चीजें किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई तू ही बना और तू ही चेंज कर। तो ये स्पीड लिमिट्स कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है। सो एक्ट इज अ स्केलेटन, उसमें जान डालने वाला रूल्स, सेक्टर का पप्पा बताने वाला रेगुलेशंस, शेड्यूल, ये सब मिलके बनता है तुम्हारा लॉ। बैठा? श्योर इनाफ? आ जाओ, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम जो एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है अच्छा मुझे बताओ कि अगर स्टेट लॉ रहेगा, स्टेट लॉ, तो रूल्स कौन बनाएगा? वो तो एक्ट बनाएगा ना, रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के लॉ में किसने रूल्स बनाया, तो वही काम कौन करेगा? स्टेट लॉ। वेरी क्लियर? ठीक है, ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा ये साल देख के तुमको क्या लगता है, ये प्री इंडिपेंडेंस है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस? तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम अपने कानून तो इंडिपेंडेंस के बाद ही बने। अपने बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कब बने हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम के, बट वो इतने अच्छे कानून थे ना कि इंडिया ने सिर्फ उसको थोड़ा बहुत चेंज करके उसको एज इट इज रहने दिया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज वन लॉ जो कब बना है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, विच इज 1872। अभी सिंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है तो थोड़ा बहुत उसमें तुमको रेफरेंस इंग्लिश लॉ का आएगा, तो डरने का नहीं मैम। इंग्लिश लॉ कहाँ से आया? अरे ब्रिटिशर्स के टाइम का ना, तो थोड़ा सा इंडियन लॉ दिखेगा, थोड़ा सा इंग्लिश लॉ का रेफरेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी अपने को नाम से समझता है कि ये जो एक्ट है ये किस पे अप्लाई करता होगा। बराबर है, इंडिया का एक्ट है, 1872 का एक्ट है, और अप्लाई किस पे करता है? कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो लीगली बाद में देखेंगे, मुझे सिर्फ तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं लिखूंगा, बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कोई एविडेंस है अगर कोई भी हम जहाँ पे बिल्डिंग चाहते प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये एक लीगल एविडेंस है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे निकल गई। हाँ, बट और क्या बोलूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट का? तुम बराबर बोल रहे हो, बट और क्या बोलूँ मैं? कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन, नहीं, डीड, ओके, और क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डीड ही बोला ना तुमने, के डील बोला, DEAL। हाँ ठीक ठीक है, डील है दो लोगों के बीच में, ओके। और क्या याद आता है? कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट, 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 ठीक है, कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर नो, कमिटमेंट कमिटमेंट, कंसाइनमेंट, ओके। टू पार्टीज कमिंग टुगेदर एंड फॉर दे फॉर ओके, टू पार्टीज, फिर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कौन सा एक वर्ड है जो कॉमनली यूज किया जाता है? नहीं, व्हाट अबाउट अग्रीमेंट?
ये नाम सुना है तुमने, ठीक है। ये ओवरऑल तुमने मुझे जेनरिक बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ना हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहला ओके अभी पहले ना नीचे से ऊपर स्टेजेस जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। क्या जाता है? नीचे से ऊपर स्टेजेस जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अभी सबसे पहला स्टेज इज ऑफर, सबसे पहला स्टेज इज ऑफर। अभी हम लोग अपना एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मिस्टर ए आस्ड मिस्टर बी इफ ही वुड लाइक टू परचेज हिज कार। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया गाड़ी परचेज करने का? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? बराबर है। अभी मिस्टर बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ओके बोलेगा या तो वो नॉट ओके बोलेगा। अगर नॉट ओके बोला तो बात वहीं खत्म हो गई, बट अगर ये जो ऑफर है उसको मिस्टर बी ने हाँ बोला तो क्या उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया? अभी अपने एग्जाम्पल में ऑफर एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है? दोनों चेक करेंगे। अपने यहाँ पे ऑफर क्या है? एक्सेप्टेड है, तो ऑफर हुआ प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, दोनों मिलके क्या बन गया? प्रॉमिस। बराबर। अभी प्रॉमिस के साथ जब जुड़ जाता है कंसिडरेशन। नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड कंसिडरेशन? फर्स्ट दवा है, पहले सुना है, क्या मतलब है कंसिडरेशन? मतलब वी वुड आल्सो पुट अप ऑफर लाइक 10 में आई फॉर द सपोर्ट फॉर 8 मंथ एंड देन वी वुड कंसीडर दैट। नहीं, वो तुम थोड़ा आगे का बात कर रहे हो, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। कंसिडरेशन डजंट मीन दैट, उसको हम लोग अगेन दूसरा ऑफर बोलते हैं, वो बाद में बात करें। अगर हाँ, if the car is the next car का quality को consider करते हैं। नहीं, कंसिडरेशन मतलब कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी भी ले मैन को, राह चलते आदमी को पकड़ू जो तुमसे बड़ा है, ठीक है, कोई ऐसा नौकरी पे जाने वाला, पकड़ो बोलो बता कंसिडरेशन क्या, तो वो मुझे बोलेगा कंसिडरेशन मतलब पैसा।
क्या बोलेगा वो मुझे, कंसिडरेशन मतलब पैसा, बट हम राह चलते हैं क्या? नहीं, हम लॉ पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि कंसिडरेशन मतलब पैसा जरूर है, बट कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। ए ने बी को ऑफर किया गाड़ी में, बी के लिए कंसिडरेशन हुआ गाड़ी, ए के लिए कंसिडरेशन हुआ कंसिडरेशन वो होता है जहां पे दो लोग आपस में एक दूसरे को कुछ तो दे रहे हैं, इस कंसिडरेशन। अभी मैम पैसा कंसिडरेशन है क्या? डेफिनेटली ए को पैसा ही मिल रहा है, बट पैसा इज नॉट द ओनली थिंग विच इज काउंटेड इन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कुछ तो आपस में देना, इज कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अपन दोनों के बीच में भी कंसिडरेशन है कि नहीं है, मुझे बताओ क्या कंसिडरेशन है? नॉलेज और मैं आपको नॉलेज दूंगी, ये तुम्हारा कंसिडरेशन, और आप मुझे क्या दोगे? ये मेरा कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? तो हम दोनों के बीच में भी क्या है? कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन हमेशा याद रखना, दोनों पार्टीज के पास फ्लो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। क्लियर? सो प्रॉमिस हो गया, साथ में कंसिडरेशन जुड़ गया, तो बन गया तुम्हारा करेक्ट। अभी एक ना एग्जांपल, ठीक है, सुनो ध्यान से। एक ना हस्बैंड एंड वाइफ थे, वाइफ ना बहुत टॉर्चर करती थी हस्बैंड को, बात कर करके हस्बैंड परेशान हो गया था। इतनी सीरियस मत हो, टेंशन मत लो, हस्बैंड परेशान हो गया था, ठीक है। तो हस्बैंड ने ना वाइफ को बोला, सुन तू ना 7 दिन मेरे से बात मत कर, ठीक है, तू 7 दिन मेरे से बात नहीं करेगी ना, तो उसके बाद संडे को जाके अपन तेरे लिए डायमंड नेकलेस ला के देंगे, बराबर है? अच्छा, अभी मुझे बताओ, क्या हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर दिया? किस चीज का ऑफर दिया? नहीं, बात बात ना करने का ऑफर दिया, ठीक है। तुमको क्या लगता है, वाइफ ने एक्सेप्ट किया होगा, रिजेक्ट किया होगा? डायमंड नेकलेस को कौन मना करता है, बराबर है? तो वाइफ ने ऑफर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया, बराबर है? बोली 7 दिन नहीं बात करना, हाँ कौन सा बड़ा बात है, डायमंड नेकलेस मिलेगा, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम मुझे बताओ कंसिडरेशन क्या है? करना, बात ना करना ये कैसे कंसिडरेशन हुआ, वो तो ऑफर हुआ। पति को रिटर्न में मिल रहा है ना कि चीज कितनी क्वालिटी। हाँ, बट पति को बात ना करनी क्या कंसिडरेशन? बात ना करना तो ऑफर था ना, तो मेरे से बात मत कर बोल दो ऑफर। अभी वाइफ को तो क्लियर कट कंसिडरेशन है, विच इज डायमंड नेकलेस, पति। आ एक नंबर, मन की शांति, अरे यार सुकून। तो ये किसके लिए कंसिडरेशन हुआ? हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड को सुकून मिल रहा है, वाइफ को डायमंड नेकलेस मिल रहा है, दोनों को कंसिडरेशन मिल गया, बन गया अग्रीमेंट, बराबर? ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन भी आ गया, अग्रीमेंट बन गया, एकदम सिंपल, बराबर? अभी हुआ ऐसा कि एज प्रॉमिस्ड वाइफ ने प्रॉमिस निभाया, 7 दिन बात नहीं किया, उसके बाद संडे आया, मस्त नहा धो के रेडी होके पति को उठाया, बोला चलो शॉप जाना है, ज्वेलरी शॉप जाना है, डायमंड नेकलेस खरीदने। हस्बैंड बोलता है कहीं का डायमंड नेकलेस? बोलते अरे प्रॉमिस किया था ना, तो बोलते अरे रात गए बात गए यार, सोने दे संडे, ठीक है। हस्बैंड ने मना कर दिया, वाइफ ने सोचा मैं तो इस पे केस करके कोर्ट लेकर जाऊंगी, डायमंड नेकलेस मना कर दूंगी, ठीक है। सो वाइफ डिसाइडेड टू सू द हस्बैंड, सू मतलब केस करना, सू द हस्बैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तुमको क्या लगता है, केस कर सकते हैं केस नहीं कर सकते? अच्छा कर सकते हैं, डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस का सवाल है, लाखों रुपए कभी कभी करोड़ों, क्या बोलते हो, कर सकते हैं? श्रावणी कर देते हैं, हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू मत सोच, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू सोच, कर सकते हैं, क्या बोलते हो नीलम? बराबर का माल मिल रहा तो करेगी वो। है, कर सकते हैं, अच्छा वेरी गुड, सब लोग को लगता है कि कर सकते हैं, कानून बोलता है नहीं, वो बोलता है नहीं। अच्छा तुम ये भी डाल सकते हो कि मैम राइटिंग में तो नहीं था कुछ, प्रूफ कैसे होएगा?
तो और एक चीज बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट वो राइटिंग में होना जरूरी, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। बट जो अपना कोर्ट ऑफ लॉ है ना, वो बोलता है कि तुम जो दो चीजें हैं ना, दो चीजें उसको मेरे से दूर रखो, दो चीजों को मेरे से दूर रखो। मैम वो कौन सी दो चीजें हैं जिससे दूर रखना है? तो एक वो बोलता है कि जो तुम्हारे सोशियल टाइप के अग्रीमेंट है, कौन से टाइप के? सोशल टाइप के अग्रीमेंट, ठीक है। सोशल टाइप के अग्रीमेंट मतलब, अभी मैंने विरल को पूछा, विरल भूख लगी है, चलना रेस्टोरेंट चलते हैं, उसने ओके बोला। बाद में उसको एक अर्जेंट कॉल आ गया, तो बोला मैम मैं नहीं आ रहा हूँ, अब जाओ, क्या करूँ, केस कर दूँ? तो प्रॉमिस किया ना, चल केस कर दूँ। अच्छा तुमको वेडिंग इनविटेशन आया था, तुमने एक्सेप्ट किया, फिर शादी में नहीं गए, दूसरे की या खुद की जाना पड़ेगा, दूसरी की शादी थी, तुम नहीं गए, वो क्या करेगा, तुमको सू कर देगा, एलडीसी का पैसा चला गया वेस्ट हो गया। अरे नहीं करते रहे, बराबर है, वो तुम पे केस नहीं करेगा। लाइकवाइज किसी को डिनर के लिए इनवाइट किया, किसी को मूवी के लिए इनवाइट किया, तो वो जब तुम प्रॉमिस कर देते हो और फिर उसको फुलफिल नहीं करते हो, तो वो तुम पे केस नहीं करता। तो वो सब कौन से है? सोशल अग्रीमेंट है, बराबर है। क्या क्या एग्जाम्पल देखा हम लोग ने इसमें? डिनर, कॉफी, बराबर वेडिंग इनविटेशन, है, ये रुक रे, जंप मत कर, वेडिंग इनविटेशन, फिर मूवी, वॉक, कुछ भी, करेक्ट है। और एक तरीके का अग्रीमेंट है जिसको कोर्ट बोलता है मेरे से बाहर रखो, वो है तुम्हारा डोमेस्टिक अग्रीमेंट। क्या है तुम्हारा? घरेलू मामला, क्राइम क्राइम है, इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं था डाउरी लेने में, डाउरी इज एन ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ में चला गया। हम कॉन्ट्रैक्ट का बात करें, सिविल लॉ का, ठीक है, वो भी बताती हूँ, चलो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का बताएं, ठीक है, याद दिलाना इसके बाद। डोमेस्टिक अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट मतलब घरेलू मामला बिटवीन हस्बैंड एंड ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ डोमेस्टिक का, तुमको डैडी ने बोला केस कर रहे हो, तो क्या बात है, एक काम करो, CSEET में ना रैंक तो नहीं आता मालूम है मुझे, रैंक जैसे मार्क्स लाके दिखाओ, मतलब 200 में से 180+ लाके दिखाओ, 180+ लाके दिखाया ना एक्टिवा दिलाऊंगा, ऐसा आपके डैडी ने आपको प्रॉमिस किया। मैं जी जान से मेहनत किया, एकदम 185 लाया, डैडी को जाके रिजल्ट बताया, बोला एक्टिव, डैडी ने बोला वेरी गुड, रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, एक्टिवा नहीं कुछ और मांग ले, हमने तो बोला ये तो सरासर धोखा है, बोला एक्टिवा ना इसलिए इतना मेहनत किया, अब आप नहीं बोल रहे हो, क्या करोगे डैडी पे केस करोगे? कोशिश भी मत करना उनके घर पे रहने, बराबर है। और कोर्ट लेगा भी नहीं, बोलेगा कि ये कौन सा अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। तो दो चीजें जो कोर्ट बोलता है मेरे से दूर रखना, विच इज डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, सोशल अग्रीमेंट। अभी वापस आती हूँ तुम्हारे डायमंड नेकलेस पे, अभी वो कोर्ट जा सकता है क्या? नहीं, क्या बोल के कि ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, तो कोर्ट नहीं जा सकता। तो एक चीज याद रखना, ऐसा अग्रीमेंट जो ब्रीच होने पे, मैम ब्रीच मतलब ब्रेक, कोई भी अग्रीमेंट जो ब्रेक होने पे अगर कोर्ट जा सके तो उसको बोलते हैं इट इज एनफोर्सिएबल, क्या बोलते हैं उसको हम? एनफोर्सिएबल। सो एनी अग्रीमेंट विच कैन बी टेकन टू द कोर्ट उसको हम बोलते हैं एनफोर्सिएबल, और अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल हो तो ही बनता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इसीलिए मैंने लिखा सोशल अग्रीमेंट, क्योंकि वो कोर्ट नहीं जाता इसीलिए वो अग्रीमेंट बन के ही चुप बैठता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। डोमेस्टिक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सब कुछ था ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, तो अग्रीमेंट तो बन गया, बट कॉन्ट्रैक्ट बन पाया क्या? नहीं। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वो कोर्ट नहीं जा सकता। अच्छा मैंने तुमसे फीस ली और पढ़ाया नहीं तो कर सकते ना, हस्बैंड एंड वाइफ है क्या हम लोग?
घरेलू रिश्ता है क्या अपना, नहीं नहीं सोशल अग्रीमेंट था क्या अपना, तो केस कर सकते हो, तो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ समझ में आया? रिक्शा वाले भैया ने आपको बिठाया ये बोल के कि डेस्टिनेशन पे छोड़ता हूँ, बीच में ही छोड़ दिया, केस कर सकते हो क्या? हाँ, कोई रिश्तेदार नहीं हो तुम्हारा, समझ में आ रहा है? तो छोटी छोटी चीजों पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, इट्स जस्ट दैट वी डोंट रियर। क्लियर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम्स अग्रीमेंट, अग्रीमेंट को जब भी कोर्ट में लेकर जा सके तोड़ने पे तो बोलते हैं उसको एनफोर्सिएबल, तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। श्योर इनफ? यस ठीक है, ओके। अभी मैंने तुमको बोला कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी समथिंग इन, करेक्ट है? अभी तुमने ना एक एनजीओ को, एनजीओ समझ में आता है ना, तुम्हारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम 10,000 रुपए ये महीने डोनेशन देने वाले हो एनजीओ को। फिर कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो तुमने नहीं दिया, तो क्या एनजीओ तुम पे सू कर सकता है ये बोल के प्रॉमिस किया फिर दिया नहीं? केस कर सकता है? नहीं कर सकता है, सोच समझ के जवाब। कर सकता है, कर सकता है, एक सेकंड ना, सॉरी क्या बोल रहे थे तुम लोग? कर सकता है? अच्छा, एनजीओ ने मुझ पे केस कर दिया, मैंने कोर्ट में चली गई, कोर्ट पूछता है तूने प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तूने कुछ दिया नहीं फिर पैसा। मैंने कोर्ट को बोला देखो मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कंसिडरेशन दोनों तरफ से होता है, मैं एनजीओ को दूंगी 10,000, एनजीओ मुझे क्या दे रहा है? कुछ नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं ना। तो जब कंसिडरेशन एक ही तरफ से फ्लो होना, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम लोग बोलते हैं प्रनाउंस करने का कोशिश करो, क्या लिखा है मैंने, ग्रैटिट्यूड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रैटिट्यूड मतलब कंसिडरेशन ओनली फ्रॉम वन पार्टी। और जब एक ही पार्टी से कंसिडरेशन फ्लो हो, दूसरे से ना हो, तो वो सू नहीं कर सकता, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। समझा? पक्का? तो तुमने अगर अपनी फ्रेंड को बुक रीड करने दिया तो उसे पैसा लोगे क्या? तो उसके लिए वो कौन सा कंसिडरेशन हुआ? ग्रैटिट्यूड। बैठा? श्योर इनफ? तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से होगा तो ही अग्रीमेंट, और एनफोर्सिएबल होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट, तब तक नहीं। सिंगल पार्टी से कंसिडरेशन गया तो उसको कौन सा कंसिडरेशन बोलते हैं हम? ग्रैटिट्यूड। श्योर इनफ? पक्का पक्का? ठीक है, और एक चीज बताते हैं तुमको, अभी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था ना बच्चा 1872 में, तो ये ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 हिस्सों में बना था। कितने हिस्सों में बना था? 4। सबसे पहला हिस्सा था तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल मतलब यही ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब किधर था? जनरल प्रिंसिपल। दूसरा हिस्सा था तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये बेंच गुड्स है? हाँ। पंखा? हाँ। टीवी? हाँ। एसी? हाँ। सब कुछ गुड्स है, ठीक है। बॉटल गुड्स है, बुक गुड्स है, ऑफिस क्योंकि वो मूवेबल
नहीं। अच्छा मुझे बताओ, बेंच में तुमको अगर बेच रही हूं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं या नहीं? वही था सेल ऑफ गुड्स, समझ में आया? तीसरा हिस्सा था तुम्हारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, बट एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। बैंक में जब भी तुम लोन लेने जाते हो तो क्या वो गारंटी मांगते हैं कि कोई पार्टी को बोलो कि तुम्हारा गारंटी ले, तुम पे नहीं किया तो वो बंदा पे करेगा तुम्हारे बदले, तुम डिफॉल्ट किया तो? बराबर है, वो गारंटी है स्पेशल डील। क्लियर? कोई चीज को गिरवी रखना, मॉर्गेज प्लेज, उसको हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें बड़े लिस्ट है, बाद में करेंगे हम लोग। एंड चौथा वॉज योर, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप फॉर्म तो पता है सबको, क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म? बिजनेस स्टार्ट बिजनेस। अगर तुमने पार्टनरशिप फॉर्म ओसी में पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में, क्या पढ़ा है तुमने? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें तुमको पता है कि पार्टनरशिप बनने के लिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया जाता है, वो कुछ नहीं बट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। करेक्ट है? तो यहाँ पे चार हिस्से थे, जनरल प्रिंसिपल, फिर तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट वॉज योर पार्टनरशिप। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अभी वो लोग ने क्या किया, सेल ऑफ गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया बाहर और बना दिया सेपरेट एक्ट। क्या बना दिया उसके रिलेटेड सेपरेट, विच इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932। ठीक है, और पार्टनरशिप को भी अलग कर दिया और बना दिया सेपरेट एक्ट, विच इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। करेक्ट है? सो अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं वो सिर्फ दो चीज है, एक है तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है तुम्हारा, समझ में आया? ये दो को निकाल दिया गया। क्लियर? अच्छा अभी मुझे बताओ, मैं तुमको अगर इंडेक्स दूं और बोलूं ये चैप्टर ढूंढ के निकालो, निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? पेज नंबर से। कितना आसान है ना, बराबर है? और मैं तुमको पेज नंबर बताओ और बोलो पैरा नंबर टू तो ढूंढ लोगे, क्योंकि आसान है नंबरिंग से। वैसे ही पूरे एक्ट को भी नंबरिंग दिया जाता है, पूरे एक्ट को भी क्या दिया जाता है, नंबरिंग, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? सेक्शंस। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल जो डेफिनेशंस होते हैं ना, डेफिनेशंस, वो सब होते हैं सेक्शन नंबर टू में। तो ऑफर का डेफिनेशन भी सेक्शन टू, एक्सेप्शन एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन भी सेक्शन टू, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन भी सेक्शन टू। तो मैम अभी सेक्शन टू में इतना सब कुछ है, ढूंढेंगे कैसे? तो अगर मैं बोलूं और ऐसे लिखूं तो इसका मतलब होता है सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज सी। समझा कैसे लिखा जाता है? सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज सी। और अगर मैं ऐसे लिखूं सेक्शन टू के बाजू में ए, तो कैसे पढ़ोगे? सेक्शन टू क्लॉज ए। क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा सेक्शन। अगर मैं बोलूंगी सेक्शन टू क्लॉज ए तो मैम ऑफर, सेक्शन टू क्लॉज बी मैम एक्सेप्टेंस। समझ में आया? इसे पूरा एक्ट सेक्शन नंबर से क्या होता है, डिवाइड। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ सबसेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए बताया तुमको। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 100 है, उसके बाजू में 1 दिया है, तो कैसे पढ़ोगे? समझ में आया? श्योर इनफ? ठीक है, ऐसे पूरा एक्ट डिवाइडेड होता है। अच्छा अभी
एक चीज बताती हूँ, अभी तुम मुझे बताओ सेक्शंस कौन सा कौन से सेक्शन के अंडर था। जनरल प्रिंसिपल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1, गो स्टिल, सेल ऑफ गुड्स, टू 123। ये एक्ट नहीं लिखना, ये गलती से बच्चे ने एक्ट लिखा है। पहले एक्ट नहीं था ना, पहले तो सेल ऑफ गुड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा था, करेक्ट है? तो ये एक्ट नहीं लिखना है। ओके, सेक्शन 76 टू 123। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? 124 टू पार्टनरशिप कहाँ से? टू 266। अभी अगर मैं बोलती हूँ ये निकाल दिया है, ये भी निकाल दिया है, तो कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं अभी अपने को? एंड मतलब बीच के सेक्शंस खाली होने चाहिए ना, उधर तो वन से ही शुरू होएगा वापस, नए एक्ट में वापस वन से ही होएगा, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बीच में सेक्शंस थे अभी वो क्या रिप्लेस रिप्लेस करना है? तो 124 को वापस 76 से शुरू करना चाहिए ना उन्होंने, नहीं? अच्छा, तुमको पता है जब भी प्योर लॉ पढ़ना हो ना तो हम लोग बैरेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बैरेक्ट, जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है ना एज इट इज, वो बैरेक्ट में दिया होता है। बैर, BARE, बैर मतलब ओनली, ओनली एक्ट, प्योर लॉ। ठीक है, आई'ल शो यू। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का ही साइट अंडर मेंटेनेंस है, और क्या ही चाहिए दुनिया में। ठीक है, अच्छा 1 to 75 वाज तुम्हारा सेक्शन ना, पहला जनरल प्रिंसिपल वाला। किधर गया? देख लो, वन से शुरू होता है, ठीक है? गया 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 गया, कितने तक गया? 75 एंड हुआ यहाँ पे। फिर था तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स जो शुरू होता था 70, देखो दिख रहा है क्या? 76 से क्या लिख दिया है? रिपील, रिपील मतलब कैंसल्ड। कहाँ तक कैंसल्ड दिखना चाहिए तुमको? बराबर बराबर। फिर वापस 124 से क्या शुरू होता है तुम्हारा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक जाएगा? बराबर। फिर वापस पार्टनरशिप क्या दिखना चाहिए? रिपील। तो वो लोग ने कैंसल करके छोड़ दिया, इसीलिए बीच के सेक्शन गायब है। तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैम किधर गए, अरे कैंसिल हो गए, उसके लिए सेपरेट एक्ट बना लिए। समझ में आया? तो विल रीड 1 to 75 एंड देन 124 टू। बैठा पक्का? अब कुछ लिखें? बहुत बात कर लिया ना मैंने।
शुरू करो, टॉपिक डालो। डाला, लिखो हाउ लॉ इज मेड और इतना लिखो। मैं आई, एक मिनट, दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन पे? ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर नॉट गवर्नमेंट।
लिखो, प्रेसिडेंट से लिखना है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 1872। समझ में आ रहा है ना? ट्रोल मोर एक मिनट का मच्छा। फर्स्ट सितंबर 1872। N4CEA। फॉल्स लिखा है ना? ऑल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सोशल एंड डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना? आज कुछ नया सीखा तुम लोग ने? जॉब तक पढ़ा नहीं है कभी? ऐसा तो अभी चलता ही रहेगा। स्क्रॉल करूं और एक्सेप्शंस तक लिखा है? नीलम कहां तक लिखा बेटा? अभी एक्सेप्शन शुरू किया।
तबली आप कहाँ रहते हो? हरेगा नीलम, तब दोनों साथ में ट्रैवल कर सकते हो ना, कलवा दीवा। तुम कहाँ रहते हो? तीन साथ में है। तुम कहाँ रहते हो? तुम अलग हो। तुम थाने तक साथ में हो। कैसे जाते हो? बस से। रोमी तो डोंबिवली वाली से? क्यों से इतना जल्दी पहुंच जाता है क्या? कितने टाइम में? निकला कुछ और तो मैं आ गया बट तो आराम से ट्रेन में आना, इतना घाई घाई में क्यों आ रहे हैं? बाइक पे कंफर्टेबल आराम से। है पक्का ना? मेरे को टेंशन हो, ऐसे काम मत करना, स्पेशली बारिश में। तो एग्जाम्पल लिखा। अरे स्क्रॉल, ये भी लिख दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लिख के कट करो वरना समझेगा कैसे। और मेरे तरह कट मत करो, नीचे क्रॉस डालो और डालो नाउ दिस हैज बिकम द सेपरेट एक्ट। पहले समझना चाहिए ना, पहले चार थे हिस्से, अब दो ही हिस्से हैं। और तुम जितने कलर पेन यूज कर सकते हो ना सब करो, हाइलाइटर्स, कलर्स, पेन, जो चाहिए करना मेरे सब्जेक्ट में, ठीक है? अपने को एमसीक्यू के लिए परफेक्टली याद आना चाहिए किधर क्या है, राइट?
कल, आज के लिए रुक जाते हैं, ठीक है? कल करंट अफेयर्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का लेक्चर होगा, मतलब हेमाली मैम का लेक्चर होगा ना, वो करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं अभी, वो तुमको कल समझेगा, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, ये दोनों भी कौन सिखाता है? हेमाली मैम, अभी कल वो जो स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट? मैं उनसे बोल देती हूँ, नोट्स फाइनलाइज करके भेज दें, तो आई गेट इट प्रिंटेड फॉर यू, ऑलराइट? ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं। समझ में आया हमने आज क्या पढ़ा? पक्का पक्का? थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके आई लेट यू नो समवेयर अराउंड 11 o'clock, ठीक है? मोस्टली 11, 11:15 to 1:15 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है?